देखिए एक्ने एंड ब्लैमिशेस दोनों ही हमारे स्किन इश्यूज हैं जी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एवरी सेवन आवर आर रिजुविनेट राइट एंड एवरी फोर मंथ्स आर ब्लड प्योरीफाइज ब्लड गेट्स रिजुविनेटेड इट्स जी बोन्स uh, भी हमारी रिसाइकल होती हैं हर सात साल बाद और हर चार महीने बाद हमारे ब्लड का साइकिल भी चेंज होता है तो आज अगर किसी को अपने एक्ने या पिंपल्स का ट्रीटमेंट खुद घर पे ही करना है तो आज अगर आप शुरू करेंगे तो प्लीज़ वेट फॉर फोर मंथ्स ऐसा नहीं सोचें कि अभी अभी शुरू किया अभी अभी रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए एक महीने में दो महीने में कम से कम चार महीने यूज़ कीजिए और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी फोर मंथ्स तक कि चार महीने लगातार आपको वही सब ध्यान देना पड़ेगा विच हैज़ बीन टोल्ड बाय दियोर हेल्थ एक्सपर्ट कि उन चीज़ों को करते हुए फिर चार महीने में ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा Once the blood is purified, of course the uh, problem will be gone. Wow! तो उसके प्योरिफिकेशन के लिए आप अपना खाने पीने को अच्छा करें आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें और साथ ही आप अपने यूज करने वाली चीजें जो हैं, फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं फेस उपटन कौन सा यूज कर रहे हैं रात को सोने समय क्या लगा रहे हैं सुबह उठ करके क्या स्किन के लिए स्किन uh, केयर कर रहे हैं वो सारी चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है बिल्कुल देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट शुड बी राइट और अगर ट्रीटमेंट राइट right है तो आप कभी भी कोसेंगे नहीं ट्रीटमेंट <laughs> गलत ले रहे हैं फर्क कुछ नहीं हो रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो नेचुरल है कि एक पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर के हम एम्बेरस हो जाते हैं निराश हो जाते हैं और फिर बुरा भला बोलने लगते हैं जी तो बुरा भला बोलना तो अच्छी बात नहीं है आफ्टर ऑल इट्स माई स्किन आफ्टर ऑल इट्स योर स्किन और आपको अपनी स्किन को प्यार देना चाहिए उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए उसके लिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचना चाहिए लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वाई ब्लेमिंग द स्किन ब्लेम योर ओन लाइफ स्टाइल ब्लेम योर ओन रॉन्ग हैबिट्स ऑफ ईटिंग ब्लेम योर ओन डिफेंस मैकेनिज्म जो आपने खुद खराब किया है वाई ब्लेम द स्किन स्किन तो आपको दिखा रही है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है ठीक करो वी शुड लव दिस एक्चुअली इस फैक्टर को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जी. कि स्किन है चाहे वो कोई भी चीज है तुरंत हमारी बॉडी हमें बताती है जब अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो हमारे बाहर के फैक्टर्स से ही पता चलता है कि देर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन साइड दैट्स मुझे ये सिम्टम्स आज नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल <laughs> सिस्टर जब हम बात करते हैं फ़ेस वॉश की फ़ेस वॉश हमें किस तरह का यूज़ करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि आजकल इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है देर इज़ नो लिमिट टू दैट मतलब इतने अवेलेबल है कुछ लोग कहते हैं ये नेचुरल है ये हर्बल है ये आयुर्वेदिक है ये एलोपैथिक है आई मीन ये डर्मेटोलॉजिस्ट uh, I mean, ने रेकमेंड किया है ये uh, uh, ये बहुत ही फ्लावरी बेस्ड है मतलब इतने सारे ऑप्शंस हमको मिलते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए हैं प्लीज हेल्प अस देखिए एक्चुअली क्या है फेस वॉश आपको करना है घर पे ही करना है जी. तो आप अगर तो आपके पास गार्डन है घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें प्लांट कर लें जिनको नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट करें उसको पानी में थोड़ी देर रख और उस पानी को आप वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं लेमन अच्छा। वाटर से भी आप अपने स्किन को रेडियंस uh, दे सकते हैं और आप सिंपल अगर नीम का पानी है अगर आपकी स्किन अफेक्टेड है तो इफ यू आर हैविंग अ वेरी हेल्दी स्किन बहुत ही अच्छी स्किन है आपके पास सिंपली स्प्लैशिंग द वॉटर इज ऑल्सो इनफ अच्छा जी एक बार जब सुबह उठे सुबह उठने के बाद एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है स्किन के लिए वो है राइस वाटर ओके और मूंग दाल का पानी पीली मूंग हरी मूंग हरी मूंग आप हरी मूंग और चावल को रात को भिगो दीजिए पानी में और उस पानी से सुबह उठ करके अगर हरी मूंगी नहीं ले रहे हैं तो आप सिंपल चावल भी यूज कर सकते हैं okay. चावल को रात को भिगो दीजिए और उस पानी से सुबह उठ करके अपने स्किन को क्लियर कीजिए तो राइस अलग करके सिर्फ वाटर यस ओनली वाटर ओके या उसको पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं उसको राइस को एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं तो राइस एंड दाल को ग्राइंड करके मिक्स करके भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं और उसको साबुत भी यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि जब कभी आपको फ़ेस uh, के लिए उपटन बनाना है फ़ेस पैक्स बनाने हैं आप चंदन का फ़ेस पैक केसर का फ़ेस पैक या एरोमेटिक फेस पाउडर्स आते हैं उसके फेस पैक नहीं तो फिर एक मिक्सचर तैयार कर सकते हैं आप चंदन नीम नीम पाउडर ले लीजिए चंदन पाउडर ले लीजिए मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए थोड़ा सा उसमें बेसन ऐड कर दीजिए और साथ ही थोड़ा सा हल्का सा केसर ऐड कर दीजिए तो इसको आप जब मिक्स करेंगे एंड लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी और पिंच ऑफ टर्मरिक अगर आप इसको मिक्स करके पाउडर फॉर्म में रखते हैं जब आपको फ़ेस uh, पे उपटन लगाना है या फेस को अच्छे से स्क्रबिंग करना चाहते हैं या चाहते हैं कि उसकी कांति बढ़ जाए और स्किन बहुत रेडिएंट और सप्पल एंड सॉफ्ट हो जी. तो आप जस्ट इसको पेस्ट फॉर्म में इसमें पानी या गुलाब जल ऐड कीजिए अप्लाई इट ऑन योर फेस मसाज कीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए एंड देन आफ्टर इट गेट्स ड्राइड आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं दिस इज़ वेरी हेल्दी हर्बल एंड होम मेड